मोदी के चैलेंज पर सावरकर और बाल ठाकरे की जय बोलेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक चैलेंज दिया था। ये चैलेंज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा है, लेकिन ये चुनौती सीधे सीधे राहुल गांधी को नहीं मिली है, बल्कि राहुल गांधी का नाम लेकर ये चुनौती विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं को दी गई है, जिसमें निशाने पर विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। मुद्दा भी ऐसा है जिस पर राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पर भड़क सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वरना राहुल गांधी ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ते जिससे संघ के विचारक रहे विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र किया गया हो। क्योंकि मोदी के चैलेंज में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का भी नाम जुड़ा है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने मोदी के ही बयान का हवाला देकर पलटवार किया है और राहुल गांधी को न सिर्फ क्लीन चिट दी है बल्कि तारीफ भी की है। हाल ही में वीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महाविकास अघाड़ी की तरफ से स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे और चर्चा इस बात की थी कि वहाँ पर बीडी सावरकर लिखित गीत जयस्तुते गाया गया। हालांकि ये गीत कांग्रेस नेताओं के भाषण से पहले ही गाया गया था। सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी का विरोध जग जाहिर है। यहां तक कि भारत यात्रा के दौरान और लंदन के एक कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने सावरकर पर अपनी राय जाहिर की थी। सावरकर पर राहुल गांधी का पहला चर्चित बयान दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में सुनने को मिला था। रैली से ठीक पहले राहुल गांधी के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रेप इन इंडिया कहने पर संसद में माफी मंगवाने को लेकर बीजेपी नेताओं ने काफी हंगामा किया था। हमले के अगले ही दिन कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर और शेरनिया बताते हुए कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता। ये बात भी राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को लेकर ही कही थी। राहुल गांधी के बयान पर तब भी काफी बवाल मचा था। बीजेपी की कौन कहे, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत तक को बयान देने पड़े थे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में सब साथी बन चुके थे। संजय राउत का कहना था, वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो भी कहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत ने सलाह दी थी कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली जाकर राहुल गांधी को सावरकर की किताबें गिफ्ट करनी चाहिए, ताकि वो सावरकर को समझ सके और उनकी गलतफहमी दूर हो सके। संजय राउत का कहना था कि कांग्रेस के कई नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी और जेल में रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या सरदार पटेल हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, हम भारत की आजादी में इनके योगदान को स्वीकार करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। चुनावी राजनीति में ऐसी चीजें चलती रहती हैं और कई बार तो इतनी घटिया बातें होने लगती हैं कि लगता है मर्यादा की कोई हद ही नहीं रह गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चर्चित धारदार स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और एनसीपी नेता अजीत पवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या राहुल गांधी से सावरकर के बारे में तारीफ के दो शब्द की अपेक्षा की जा सकती है?